नमस्कार भाइयों, मैं यशराज सिंह आपके सामने फिर से एक पॉइंट आज रखने जा रहा हूँ। अभी हाल कल परसों के न्यूज़ में चल रहा है कि सलमान खान जो कि कोर्ट से दोषी पाए गए हैं, कल के बाद से बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे भारत में। और ये जो केस चलता आ रहा है, ये मैं आपको दिखा दूँ, सेप्टेम्बर अक्टूबर से लेकर 1998 से ये केस चलता है। हमारी न्यायपालिका इसमें काम कर रही थी, लेकिन अब इधर आके बहुत मजबूती के साथ काम करने लगी है। दूसरी बात, सलमान खान ब्लैक बग जो कि काला हिरन है, उसे मारने में दोषी पाए गए थे। उन सब की चीज़ों में 1998 को लेकर सुनवाई जब भी पता चली, जब हम साथ साथ हैं की शूटिंग हो रही थी, तब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तब उसके बाद 2006 में इनको वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत एक साल के जेल होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं अप्रैल 2006 में जोशीपुर मामले जोधपुर सेशन कोर्ट इनको 5 साल का जेल सुनाता है, जिसमें ये 3 दिन जेल में रहते हैं और बेल पे छूट जाते हैं। जून 2006 में तीसरे में इसमें कोर्ट ने ये फिट लेता है और इसके बाद 51 धारा के तहत इनको दोषी हो जाते हैं और 52 धारा के तहत और अन्य लोग छूट जाते हैं। अब गैप देख रहे हैं कि 8 साल के बाद 1998 के 8 साल के बाद गैप 2006 में, फिर 2006 के बाद 7 साल के बाद 2013 में हाई कोर्ट राजस्थान डिनाई करता है और इन्हें बेल हो जाती है। फिर 2015 में उच्चतम न्यायालय ने कहते हैं कि हाँ, इन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से इस केस को निकलवाया जाता है और ऑर्डर को अलग किया जाता है। उसके बाद जुलाई 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट इनको दो जो मारे गए थे हिरन चिंकारा, उन्हें अलग किया जाता है, उनमें से इनको निकाला जाता है। अब देखिए कितना कॉन्ट्रोवर्सी इसमें होता है। 2017 में जनवरी जोधपुर में हथियार मामले में रिलीफ करने में इनको आरोपी भी किया गया और लाइसेंस के साथ रखने को वेपन के आरोप में इनको ये किया जाता है। अप्रैल 2018, ये अब रिसेंट का आ गया, कल का जो आज वीडियो बन रहा है उसके हिसाब से कल है, तो इन्हें गिल्टी फाइन किया गया और 5 साल का जेल सुनाया गया। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे इनके फ़ैन हैं, नो डाउट होंगे ही, फिल्म स्टार हैं, बहुत कुछ हैं, ये अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। इसकी बात, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा न्यायपालिका कमज़ोर है। 5 साल की सज़ा इनको बहुत अच्छी हुई है और मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय का, और जिस हिसाब से इनको सज़ा हुई है, ये पूरे भारत में ये मैसेज जा रहा है, ये संदेश जा रहा है कि इनको सज़ा जो मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ ये कर हीरो हैं या फिर कोई कलाकार हैं तो इनको सज़ा कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। न्यायालय सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है और इनको इनका पालन करना पड़ेगा। आज क्या हुआ है, आज कोर्ट ने रोक लगा दिया है, कल आदेश देने का, सज़ा का ऐलान किया है। इनमें से जो जो कुछ लोग आ रहे हैं सामने से, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान इन पर बहुत चिंता कर रहा है। मैं पाकिस्तान को समझाना चाहूँगा कि अपने मुल्क का ध्यान दें, वो तो समझ जाए बहुत बढ़िया है, आप बलोच की चिंता कीजिए नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमारे AIMM के जो हैं महानुभाव, उनका कानून इन पर फूट रहा है कि इस्लाम के अनुसार मुसलमान को जेल नहीं होनी चाहिए, इस्लाम के अनुसार ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कौन है सलमान खान, क्या किया है उन्होंने देश के लिए? बिंगुमन चलाते हैं, बिंगुमन से किसका किसका भला हुआ? बिल्कुल भला हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भला हुआ होगा। क्या सलमान खान अगर बिंगुमन चलाते हैं तो ये लाइसेंस है कि दोषी होने के बावजूद आपके पास एक लाइसेंस भारत में है संविधान में कि आप ये चीज़ चलाओ और बच जाओ? किसी की मर्डर होती है, उसके बाद वो कुछ अच्छा काम करने लगता है तो क्या उसका एक लाइसेंस बना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और मैं AIMIM के जो प्रेसिडेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी को साफ साफ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल प्लीज़ डोंट इंटरप्ट इन द मैटर ऑफ द कोर्ट। आप अगर इतना ही कुछ करना, अगर इस्लाम से जोड़ना है तो आपने लॉ क्यों किया फिर? आपको लॉयर बनना ही नहीं चाहिए था। आप कानून की हमेशा सबको पाठ पढ़ाते रहते कि कानून के हिसाब से ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये होना चाहिए, हाई कोर्ट के हिसाब से ये रणनीति होनी चाहिए, तो यहाँ इस्लाम कहाँ से आ गया भैया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और भारतवर्ष हमारा शुरू से कानून पर भरोसा रखा है, चाहे कोई हो, हम लोग हर कोई जाते हैं तो पहले यही देखते हैं कि कानून जिंदा है। हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक न्याय के लिए। तो ये जो न्याय मिल रहा है, प्लीज़ अपने भारतवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें इंटरप्ट ना करें। इमोशंस अलग जगह होते हैं, भावना अलग जगह होते हैं, दोषी आरोपी अलग जगह होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करना चाह रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।
आपका प्यार बना रहे, और मैं आपको ये इसमें ट्विटर का लिंक, फेसबुक का लिंक इसमें ऐड है, आप चाहे तो मुझे ऐड कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या मेरे से भूल हुई है, चूक हुई है, क्योंकि ये रैंडमली वीडियो बनता रहेगा इसमें, नो डाउट। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।